300 साल पुरानी ऐसी तकनीक जिसको आज भी काम में लिया जा रहा है और बनाई जाती है शानदार कैंची। सदियों से जितने भी कपड़े का काम करने वाले टेलर होते हैं वो इसी कैंची का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए कैंची बनाने के पूरे प्रोसेस को जानने के लिए। देखिए, कैंची बनाने के लिए सबसे पहले रेत लिया गया है। इस रेत के अंदर कोई भी बड़े पार्ट्स नहीं रह जाए, इसलिए इसको पैरों से अच्छे से मिक्स किया जा रहा है ताकि रेत पाउडर फॉर्म में आ जाए। इसके बाद इसको छल्ली में से निकाला जा रहा है ताकि जो भी इसमें छोटे मोटे कंकड़ पत्थर है वो अलग हो जाए। सीजर बनाने की प्रोसेस अब स्टार्ट हो गई है और इसके लिए सांचे लिए गए हैं। ये जो आप सांचे देख रहे हैं इनको आप डाई बोल सकते हैं। इन्हीं डाई के अंदर कंप्लीट कैंची बनकर बाहर आएगी। डाई के अंदर पहले से जो कैंची बने होते हैं उनके पार्ट्स को लगाया जा रहा है। इन पार्ट्स को डाई में लगाने के बाद डाई के दोनों साइड में रेत डाला जा रहा है। इनको इसलिए डाला गया है ताकि रेत के अंदर ये जो पार्ट है इनके निशान आ जाए, इसकी एक्चुअल में जो साइज है वो आ जाएगी डाई के अंदर। डाई का काम ही यही होता है कि उसके अंदर आप किसी भी साइज की चीज बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमको कैंची बनाना है तो सबसे पहले कैंची की साइज की बननी है, किस मेजरमेंट की बनानी है उसका हमको सबसे पहले डाई के अंदर साइज बनाना होगा। रेत को दोनों साइड से अच्छे से दबाया जा रहा है ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए और डाई के अंदर पार्ट्स के जो एक्चुअल साइज है, निशान है, वो अंदर आ जाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो पार्ट्स अंदर रखे थे उनको फिर से हटाया जा रहा है। हमारी जो कैंची है उसका जो ओरिजिनल साइज है, मेजर है, वो इनके अंदर आ गया। इस डाई के अंदर कैंची का जो आगे का पार्ट होता है उसको लगाया जा रहा है। इस डाई के अंदर कैंची का जो बैक साइड का पिछला पार्ट होता है गोल्डन कलर का, केवल उसी को बनाया जाएगा। अब आप देख सकते हैं डाई के अंदर हमने जो एक होल बनाया था उस होल के अंदर लिक्विड डाला जा रहा है। फैक्ट्री में इसको बक्सा भराई कहा जाता है। इस लिक्विड को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में जो हमारे पुराने सामान होते हैं पीतल के, जिनको यूज नहीं किया जाता है, वो लाए जाते हैं और फिर उनको अच्छे से हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। फिर ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। सीजर के अंदर चमक आए इसके लिए पीतल को पिघलाते टाइम सिल्वर भी डाला जाता है साथ में, और फिर इसको डाई के अंदर डाला जा रहा है। अब आप देख सकते हैं सभी डाई के अंदर लिक्विड पीतल को डाला जा रहा है। 10 से 15 मिनट ठंडा होने के बाद इन बक्सों को ओपन किया जाएगा। अब इन बॉक्स को ओपन किया जा रहा है और अंदर से कैंची के तैयार पार्ट्स को निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं सारे पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनको अलग अलग किया जा रहा है और अब इन पार्ट्स को आपस में ज्वाइंट करने और फिनिशिंग करने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। देख सकते हैं पार्ट्स को इस मशीन पर लाया गया है। कैंची के दोनों पार्ट्स में तीन तीन होल बनाए जा रहे हैं जिनको बिनाई करना कहा जाता है। होल बनाकर इसके अंदर कीले लगी जा रही है ताकि लोहे और पीतल वाला जो पार्ट है वो आपस में अच्छे से जुड़ा रहे। बिनाई के बाद अब ये पार्ट जाएंगे आगे के प्रोसेस में। अब सीजर के दोनों पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए बीच में होल बनाया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं जो बैक साइड वाला पार्ट होता है गोल्डन कलर वाला, उसको घिसा जा रहा है ताकि एक्स्ट्रा पार्ट है वो हट जाए और अच्छे से पॉलिशिंग हो जाए। ये काम हाथों से ही किया जा रहा है, कोई भी मशीन इसके अंदर यूज नहीं हो रही है। और जो आगे का पार्ट है लोहे वाला, उसको मशीन पर लाया गया है घिसाई के लिए। देख सकते हैं अच्छे से रब किया जा रहा है मशीन पर। बीच में जो हमने होल बनाया था उसके अंदर अब बोल्ट लगाकर फिक्स किया जा रहा है ताकि पार्ट्स जॉइंट हो सके। जैसे ही बोल्ट लग रहा है वैसे ही सीजर तैयार हो रहे हैं। अब इनका लास्ट प्रोसेस यानी धार देना बाकी रह गया है। अब आप देख सकते हैं कैंची को धार देने का काम स्टार्ट हो गया है। धार देने के लिए बड़े से व्हील पर कैंची को घिसा जा रहा है। धीरे धीरे करके सभी कैंची पर धार लग रही है। कारीगरों की सालों की मेहनत और एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, तभी इतने मुश्किल काम को चंद मिनटों में किया जा रहा है। धार लगाने के बाद यदि कोई एक्स्ट्रा पार्ट रह जाता है तो उसके लिए फिनिशिंग की प्रोसेस फिर से की जा रही है। साथ ही सीजर के ऊपर अच्छे से चमक आ जाए इसके लिए इसको मशीनों पर घिसा जा रहा है। देख सकते हैं सीजर के ऊपर अच्छे से चमक आ गई है और अब इनको टेस्ट भी किया जा रहा है कि ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फाइनली पैकिंग होने के बाद इनको भेजा जाएगा मार्केट में सेल करने के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइए, यदि पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिए और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए।